राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा। जो मनुष्य भी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को सुनते हैं, भगवान श्री हरि उन्हें सभी कर्जों से मुक्त कर देते हैं, साथ ही उन्हें हर बंधन से मुक्त कर देते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ ही निर्जला एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। बोलो श्री हरि की जय हो। बंधुओं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा निश्चय करके तथा मन को हृदय प्रदेश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्रोत का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर अथवा जिनकी चेतना को प्राप्त करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, अर्थात चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिसके आधार पर यह विश्व टिका है, जिनसे यह उत्पन्न है, जिन्होंने इसकी रचना की है, जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप पैदा हुए अर्थात स्वयंभू बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं और उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्म आदि लोकपालों के पंच भूतों में प्रवेश कर जाने पर पंच भूतों से लेकर महत्त्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गे तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्व व्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। ऐसे वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धि रखने वाले सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्म के कारण वश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा अहंकार द्वारा प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप, फिर भी जो समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश
साक्षी परमात्मा को नमस्कार है, उन प्रभु को जो मन वाणी चित्त विधियों से सर्वथा परे है, उनको बार बार नमस्कार है। विवेक को पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य सुख के देने वाले और मोक्ष सुख की अनुभूति रूप उस प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर, तमो गुण को स्वीकार करके मूढ़ की भांति प्रतीत होने वाले भेद रहित सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन उन प्रभु को नमस्कार है। शरीर व इंद्रियों आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सब के स्वामी साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सब के अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित उस प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सब की मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले संपूर्ण विश्व में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सब के कारण किंतु स्वयं कारण रहित, कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है, आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु, दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा को आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले मुक्त पुरुषों के द्वारा हृदय में निरंतर चिंतन करने वाले ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान आपको नमस्कार है। जिन्हें धर्म, मनोवांछित भोग, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अनेक प्रकार के अयाचित भोग अविनाशी पाशर शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान को ही शरण है, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हें के परम मंगल में एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवों के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत दुर्विज्ञ और अंतरहित किंतु सब के आदि कारण सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर समस्त जीव, आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां, नाना योनियों में उत्पन्न होने वाले शरीर एवं यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश आत्मा से प्रकट होता है, उन्हें उन्हीं में लीन हो जाता है। वे भगवान वास्तव में ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य, ना तिर्यक,
ना वे स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक ही हैं, ना वे कोई जीव जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश ना हो सके। ना वे गुण है, ना कर्म, ना कार्य है, ना कारण ही है। सब का निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है, वे ही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हूँ। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए उस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अभी तो भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त होने योग्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए और अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुण आत्मक शक्तियों का राग रूप वेग असह है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची बची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री शुकदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया है, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप है प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को इस प्रकार दुखित देखकर तथा उसके द्वारा गायी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी चक्ताधार भगवान इच्छा अनुरूप वेग से चलने वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का फूल ले रखा था, उसे ऊपर उठाया और बड़े ही कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे सरोवर पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से उस ग्रह का मुख काट कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।